नाजरीन आपको अहम खबर दे रहे हैं। थाना गग्गो के इलाके में पुलिस मुकाबला। अड्डा शेख फासिल पर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को बजरिया वायरलेस इतला मौसूल हुई कि साहूका के इलाके 36 केबी से दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल छीनकर बूरे वाला की जानिब फरार हो गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बिहाड़ी में मौजूद नुमाइंदा तहलका न्यूज मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये बिहाड़ी का इलाका है, थाना गग्गो मंडी, जिसके इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस थाना गग्गो बसिलसिला गश्त अड्डा शेख फाजल में मौजूद थी कि बजरिया वायरलेस इतला मौसूल हुई कि साहूका के इलाके 36 केबी से दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल छीन कर बूरे वाला की जनम फरार हुए हैं। इतला मिलने पर चक नंबर 199 AB के पास नाकाबंदी की गई। रात देर गए एक मोटरसाइकिल पर दो अफराद सवार आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। यहाँ पुलिस की जानिब से जवाबी फायर किया गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद फायरिंग बंद होने पर देखा गया कि एक नामालूम डाकू शदीद जख्मी हो गया है और वो फौरन मौके पर ही जहाँ भाग हो गया, जबकि दूसरा मुलजम अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया। बाद जहाँ हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त रमज़ान उर्फ जबरू वल्द बशीर गोंदल नाई सकना 543 गाफ बे तांदलियाँ वाला फैसलाबाद से हुई है। DPO ने बताया कि ये मुलजम रमज़ान नाई के नाम से मशहूर था और ज़िला फैसलाबाद और ज़िला बिहाड़ी में ये वारदातें करता था। जी